हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ऑस कर लें। दोस्तों, ये मिनी CH341 एक प्रोग्रामर है। दोस्तों, इसी से हम आज इसका बूट लोगो चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बूट लोगो दोस्तों कैसे चेंज करना है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, तो और किसी भाई को बूट लोगो लगाना है तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। उस पे जाइए और कांटेक्ट कीजिए और आप अपना जो MPG2 रिसीवर है उसमें बूट लोगो लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एल्टीना का ये होता है कनेक्टर, इसको मैंने निकाल दिया है और ये भी लीड केवल वीडियो के लिए लगाया है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसको साथ ले जाता हूँ और इसी में जो फ्लैश IC दिख रहा है इसी में मैं बूट लोगो यहाँ पे अपना खुद का इमेज लगा दिया हूँ, ताकि जब भी DTH ऑन हो तो आपका ही फोटो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे ये 4 पिन है, इसी से मैं कॉपी करके दूसरे जो बॉक्स होता है उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि हमारा जो बूट लोगो है वो दिख सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसमें जो कि बूट लोगो इसमें लगाना है। वीडियो को एंड तक देखिए। किसी भाई को बूट लोगो लगाना है तो जल्दी से व्हाट्सएप पे संपर्क करो और वहां से आपको बूट लोगो लगाकर हम दे देंगे और आप किसी भी MPG2 रिसीवर में कॉपी करके उसको चढ़ा सकते हो। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं बूट लोगो कैसे चलता है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, ये मेरा PC है दोस्तों, और इसी नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो, देख सकते हो, और इसमें संपर्क कर सकते हो और वहाँ से दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फाइनली दोस्तों, मैं अपना USB में लगा दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो USB है कंप्यूटर का CPU उसमें लगा दिया, और यहाँ पे मेरा लगा हुआ है मदरबोर्ड, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये मिनी CH341 से प्रोग्रामर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो CH341 से दोस्तों उल्टा है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए फटाफट से आपको दिखलाते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना टूल्स यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो टूल्स हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कि डिटेक्ट पे करेंगे, और यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। अब आपको डालना है तो यहाँ से सॉफ्टवेयर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा हम यही है सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये वाला newajitlogo.bin यहाँ पे है newajitlogo.bin। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे और ये तीर का निशान दिख रहा है, यहाँ से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है, सॉफ्टवेयर डालना चालू हो गया है दोस्तों ये मदरबोर्ड में। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर डल रहा है। उसके बाद आपको दिखलाते हैं, ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया है दोस्तों, देख सकते हो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे रीडिंग पे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई, और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो हमको यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको हम हटा देंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये LED TV है, और यहाँ पे कोड भी लगाया जाता है दोस्तों। LED TV में ही कंप्यूटर हम अपना सेटअप किया है। तो चलिए इसको हम चलाकर दिखलाते हैं आपको कि सही में जो प्रोग्रामिंग किए हैं सेम यही वाला जो कि पिक्चर है इसी को मैंने लगाया है। तो हम यहाँ पे AV मोड पे करते हैं, तो यहाँ पे हम AV मोड में कर दिए, और यहाँ पे अब नो सिग्नल का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, देख सकते हो। अब हम अपना ये वाला जो कि मदरबोर्ड है इसको हम चालू करेंगे सेटर बॉक्स में लगाकर। तो दोस्तों, मैंने अपना सेटअप कर दिया है, दिखा देते हैं दोस्तों। ये वाला AV कोड मैंने लगा दिया है TV में, देख सकते हो। और ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे पीला वाला वायर नहीं लगा है, ये वाला AV के लिए लगा दिया है, देख सकते हो ये वीडियो का वायर है।
और यहाँ पे हमारा जो कि मैंने सॉफ्टवेयर किए थे ये वाला देख सकते हो। अब हम इसी में हम यहाँ पे लाइट देते हैं और दोस्तों सेटअप बॉक्स में लाइट आ गया। और स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, देखिए हमारा फोटो दिख रहा है, 100% दिख रहा है दोस्तों। लोगो लग गया है, हमारा खुद का लोगो। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो खुद का लोगो मैंने लगा दिया है। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे दोस्तों हेल्प है नंबर, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।